हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन के वर्कशीट नंबर 14 को पढ़ने और समझने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। ये वर्कशीट आपकी 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए कॉमन है। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको शुरू करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर करना। और अगर आपकी पुरानी नहीं कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारी वर्कशीट आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, जाकर के जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है, एक इंग्लिश की पोएम है, दी सिंपल थिंग्स, यानी कि कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं आपके लिए आज की कविता में, पोएम में, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में मज़ेदार होती हैं। हम इनकी तरफ कई बार ध्यान नहीं देते हैं बट हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं ये बातें। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कविता है, पोएम है, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी कविता है, आइए शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, द सिंपलेस्ट थिंग इन लाइफ आर बेस्ट। सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, ज़िंदगी में बहुत अच्छी होती है, और इनके बिना हमारा जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ है वो बड़ी अजीब सी होती है। लाइक ए पैच ऑफ ग्रीन, तो हरियाली आपने देखा होगा। लाइक अगर आप पार्क में चले जाएं, हरियाली हरियाली होती है, दूब घास होती है, कैसे लगती है, बहुत प्यारी होती है। अक्सर हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते बट ये बहुत अच्छी लगती है। अगर ये ना हो तो काफ़ी कुछ हमारी लाइफ में हमें अधूरा अधूरा सा लगता है, लेकिन अगर ये ऐड हो जाते हैं तो बहुत मज़ा आ जाता है। सेम यहाँ पे देखें, स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, छोटे छोटे पक्षियों का घोंसला है ना। तो देखो, घोंसला आपने देखा होगा, और घोंसले में चाहे वो अंडे हों चाहे वो चूजे निकल गए हों, बहुत ही प्यारे से लगते हैं, क्यूट से लगते हैं, राइट। अगला देखो क्या है, यस, ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड। और ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी, ठंडा पानी मिल जाए आपको। बहुत गर्मियों में आप बहुत थक के आए हों, आपको प्यास लग रही हो और आप ठंडा पानी पी लो, हाँ, फ्रिज का। और हमारे उत्तराखंड में धारे का पानी अगर आपने पी लिया ना, मज़ा आ जाता है, आपको लगता है दुनिया की सारी जो अच्छाइयाँ हैं, सुख है, वो इसी पानी में मज़ा आता है। आगे देखें, द टेस्ट ऑफ ब्रेड, और ब्रेड का टेस्ट, यहाँ पर सिर्फ ब्रेड नहीं है, यहाँ पर आपको जो खाने की चीज़ अच्छी लगती है उसका टेस्ट, लाइक आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा होगा आपके लिए, गुलाब जामुन का टेस्ट, आहा मज़ा आ जाता है, नहीं तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है। और अगर हमारे जीभ में टेस्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता, नहीं तो टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। भैया देखो, मोमोज की चटनी आ जाए, माय गॉड, सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, मोमोज की तीखी चटनी, आहा, है ना। ओके, और अगला देखें, ए सॉन्ग ऑफ ओल्ड, यानी कि कोई प्यारा सा गाना बज रहा हो, बहुत पुराना गाना बज रहा हो, नीले गगन के तले, तो बहुत पुराना मीठा गाना बज रहा हो, मज़ा आ जाता है। आजकल बच्चों को वो पॉप सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट अगर आप कभी प्यारे गाने, पुराने गाने सुनो, बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं, कितने बच्चों को पुराने गाने अच्छे लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और आगे चीज़ें हमारे पास है, दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। वो कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए रखी हुई है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, द लाफ लाफ्टर ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे का हंसना कितना प्यारा लगता है, हाँ मज़ा आ जाता है। सारी दुनिया का सुख बच्चे के चेहरे को देखते रहो, है ना, स्माइल करते हुए। जब मैं स्कूल में जाता था, अभी तो कोरोना चल रहा है, तो कभी मैं डिप्रेशन में हूँ या कभी कोई बुखार सा, सरदर्द सा हो रहा हो, मतलब हेडेक सा हो रहा हो, तो मैं प्राइमरी क्लास में चले जाऊँ। प्राइमरी क्लास में छोटे छोटे क्यूट से बच्चे को देखो, उनकी हरकतें देखो, उनकी स्माइल देखो, मज़ा आ जाता है, सारी थकान, सारा हेडेक दूर हो जाता है, राइट। अगला देखो, ए फेवरेट बुक, आपकी कोई फेवरेट बुक हो, लाइक की स्टोरी हो, कोई आप स्टोरी पढ़ते हो, आप परियों की कहानियाँ पढ़ रहे हो, आपने कोई ऐसी कहानियाँ पढ़ी, चुटकुले पढ़े, मज़ा आ गया, तो यार ये किताबें जो है ना बहुत मायने रखती है हमारी लाइफ में। आगे देखो, फ्लावर ग्रोविंग विल्ड,
और जो फ्लावर है यानी कि फूल हैं उनको धीरे 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 खिलना कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा। आपके गमले में फूल होंगे तो आप डेली देखते होंगे उन्हें, आज इतना हो गया, कल इतना हो गया, कल इतना हो गया। ओ, एक एक दिन हम पानी डालते हैं, उनकी केयर करते हैं, मज़ा आ जाता है यार। कितने बच्चे गमले में फ्लावर लगाते हैं यार, मुझे ज़रूर बताना। और एक नई चीज़ है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भी ये दिखने में, एक क्रिकेट सिंगिंग इन ए सेडिनोक। और यहाँ पर देखो ये क्या बोलते हैं इसे यार, क्रिकेट सिंगिंग ओके झींगुर टाइप का क्या होता है ये, तो ये इसकी सिंगिंग जो है ना, इसमें जो म्यूजिक सी झनकार से आती है वो बहुत ही कमाल की लगती है। ओके आगे देखते हैं, ए बॉल दैट बाउंस हाई, आपने वो एक बॉल होती है रबड़ वाली, उसे हल्का सा छोड़ो तो ऐसे 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 वो नाचने लगता है, बड़ा मज़ा आ जाता है। उसे ऐसी कमरे में नॉर्मली मारो तो वो किसी कमरे में इस कोने से उस कोने में दौड़ता रहता है, अच्छा लगता है, राइट। देखो ए समर शॉवर, और गर्मी में जो है समर में जो शॉवर में आप नहा रहे हो उसका अलग ही मज़ा है। और भैया देखो मुझे तो बरसात के पानी में ना और मज़ा आता है, लेकिन आपने शावर लगाया हो और उसमें नहा रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, बड़े मज़ेदार यार, सारा सुखना बस मज़ा आ जाता है। उसके बाद देखो ए रेनबो इन द स्काई, और आसमान में आपने इंद्रधनुष देखा होगा, देखो यहाँ पर और तरह तरह के कलर होंगे पूरा वहाँ पर जो है, मतलब बारिश हुई हो और उसके बाद मौसम साफ सा हो रहा हो, आपको रेनबो दिखाई दे रहा हो, बहुत गजब का लगता है। एंड द टच ऑफ ए लविंग हैंड, किसी ने आपको बड़े प्यार से छुआ हो, लाइक आपकी मम्मी ने छुआ हो, आपके पापा ने छुआ हो, कई बार टीचर्स भी आपको प्यार से टच करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा रिलैक्स फील हो जाता है ना। कई बार आपके सर में हाथ फेरते हैं, मम्मी पापा हो या टीचर हो, फील कीजिए उस मोमेंट को, फील कीजिए, बहुत ही मज़ेदार होता है वो मोमेंट। तो मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी आप कमेंट में बताते रहा करें, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है आपके उन कमेंट्स जो पढ़ता हूँ मैं, तो बड़ी फीलिंग आती है, मुझे मज़ा आता है। चलिए आगे देखो, एंड टाइम टू रेस्ट, और रेस्ट यार किसको अच्छा नहीं लगता, बहुत सारा आपने काम किया हो, बहुत सारा आपने लिखा हो, बहुत सारा, उसके बाद जब रेस्ट करने के लिए मिलता है, आराम आ जाता है, नहीं मज़ा आ जाता है। तो कभी आपने गाँव में, हमने तो बहुत काम किया हो, उसके बाद थोड़ा सा आपको आधे घंटे की आराम, बहुत मज़ा लगता है। दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट, और ये जो सिंपल सी थिंग्स होती है, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ में बहुत काम की होती है, और क्या करते हैं ये बहुत अच्छी होती, कमाल की होती हैं। तो चलिए आप ने आपने आज कुछ नया सीखा समझा होगा। चलिए एक्टिविटीज़ हैं राइट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। और पहला क्या है, अंडरलाइन ऑल द रेमिंग वर्ड्स इन द पोएम, तो पोएम में कोई रेमिंग होती है यानी कि धुन बोलते हैं, है ना। तो सूरज उठी चिड़िया बोली, बच्चों ने तक आंखें खोली, बोली खोली रोली होली, है ना। तो ये क्या है, रेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं ऊपर, और कुछ रेमिंग वर्ड मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं राइट। तो सारे जो एक्सरसाइज है ना वो लिखे हुए, आप यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद लिखने के लिए उतारने के लिए आपको दूंगा मैं मौका, अभी आप समझे पहले। देखो रैमिंग वर्ड जैसे यहाँ पर है बेस्ट, यहाँ पे है नेस्ट, और इसी तरह से कोल्ड है और ये है ओल्ड, कोल्ड ओल्ड रेस्ट बेस्ट नेस्ट, ये सारे हैं। तो चलिए इसी तरह से और भी है यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। उसके बाद दूसरा है आपके लिए, फ्रॉम द पोएम लिस्ट ऑल द सिंपल थिंग्स विच गिव अस जॉय, इस पोएम से आपने उन लाइन को लिस्ट आउट करना है यानी कि उनको लिखना है जो आपको मज़ादार अच्छी लगी हो, जो आपको अच्छा लगा हो, है ना। और थर्ड है यहाँ पर, ऐड मोर टू दिस लिस्ट, जो ये आपको ऊपर लिस्ट दे रखी है उसमें ऐड मोर करना है, आपने और ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए द कूल ब्रीज ऑन ए हॉट समर डे, तो आपको क्या है भाई गर्मियों में ठंडक कितनी अच्छी लगती है आपको, ठंडा ठंडा आहा मज़ा आ जाता है ना गर्मियों में। ओके हमें तो सर्दियों में भी आइसक्रीम का और मज़ा आता है, नहीं। चलिए आगे हैं, ड्रॉ सम ऑफ दीज एंड, इसको बाद में देखते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना है आपको। तो चलिए मैं बाकी पहले और क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ आंसर सही। चलिए तो यहाँ पे आपको देखो पहला है आपके लिए, अंडरलाइन ऑल द रेमिंग वर्ड्स, और यहाँ पर मैंने सारे जो वर्ड्स आपके लिए लिखे हुए हैं तो आप इन्हें सीधा यहाँ से लिख दें, जैसे बेस्ट और नेक्स्ट पहला है, कोल्ड एंड ओल्ड दूसरा है,
चाइल्ड एंड वर्ल्ड, तीसरा है बुक एंड नोक, तो नोक बोलते हैं इसे लेकिन स्पेलिंग में रेमिंग हो रही है यहाँ पर, तो इसमें, और हाई एंड स्काई, राइट। और यहाँ पर मैंने एक आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो पांच मैंने आपको लिखे हैं, छठा आपको खुद ढूंढना है और मुझे कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर तीन, जो भी मैं आपसे पूछूंगा उनको आपको ज़रूर लिखना है ताकि आपकी भी एक्सरसाइज हो, सारा का सारा आप नकल ना करो। और अगला देखो यहाँ पर, देखो और भी मज़ेदार है, देखो यहाँ पर क्या करना था आपको, ओके, दो पोएम से आपको निकालना था, तो क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है। देखो एक ग्रीन पैच, भाई हरियाली आपको अच्छी लगती है, स्मॉल स्मॉल बर्ड्स नेस्ट और छोटे छोटे चिड़ियाओं का घोंसला, चिड़ियों का घोंसला, फ्रेश एंड कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ताज़ा और साफ और ठंडा पानी। उसके बाद देखो द टेस्ट ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टेस्ट, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए है, तो ये आपको खुद करना है और क्या आपको अच्छा लगा इस वर्कशीट में। उसके बाद देखिए थर्ड वाला, और एड मोर टू द लिस्ट एंड एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपको दे रखा था, इसमें हमने ऐड करना था, तो मैंने आपके लिए काफ़ी सारे ऐड किए हैं यहाँ पर। तो देखो चलिए थोड़ा सा आप यहाँ पर याद करेंगे अपने टाइम को, वो मज़ेदार टाइम को। तो पहला यहाँ पर देखो मॉर्निंग टी कॉफ़ी, हाँ मज़ा आ जाता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद आ रही हो और मज़ा आ जाए आपको। तो सबसे पहला है लाफ एट योर सेल्फ व्हेन यू रिमेंबर समथिंग। कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप हंसते हैं, अपने आप हंस रहे होते हैं, कुछ चीज़ हमें पुरानी याद आई और हमें हंसने लगे, मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल देख रहे हैं, क्यों हंस रहे हो भाई, लेकिन हम कहते नहीं बस ऐसी, तो यार अच्छा लगता है वो चीज़, है नहीं। मॉर्निंग टी ऑफ कॉफ़ी, सुबह सुबह कॉफ़ी कोई पिला दे, चाय पिला दे हमें, बहुत अच्छा लगता है। हगिंग सम वन यू लव, और किसी ने आपको प्यार से ऐसे हग किया हो, क्या आनंद आता है उसमें, नहीं। आगे देखो ग्रोविंग योर ओवन वेजिटेबल, और आपने अपने जो है कभी सब्जियां लगाई हो और उनको उगते हुए देखा हो, पानी डालते हुए, बहुत मज़ा आता है। डांसिंग अराउंड द हाउस ऑन योर ओन, अपने घर में डांस किया हो आपने, कमरा बंद कर दिया है ना, लाइट खोल दी, कोई नहीं है, आप डांस कर रहे हो, अपने आप डांस कर रहे हो, बड़े मस्त हो के, अरे मज़ा आ जाता है, कोई ना देखे हो डांस हम अपने आप कर रहे हो, है ना। देखो आगे छठा है मैसेज चैटिंग विद योर फेवरेट टीचर, अरे ये कोरोना टाइम में टीचर्स के सारे नंबर आपके पास आ गए, तो अपने फेवरेट टीचर्स को आपने खूब सारे मैसेज में चैटिंग वगैरह की हो, क्या मज़ा आ जाता है, नहीं। ओके देखो स्लीपिंग इन ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लास हो रही हो, आपको आपके माइक बंद है, कैमरा बंद हो रहा, आप खराटे मार के सो गए हो, कैसा लगता है, करना नहीं है ये। और आइसक्रीम ऑन ए हॉट डे, और गर्मियों में आपको आइसक्रीम खाने का मन करे, कितना मज़ा आ जाता है। तो चलिए एक बार सारे मैं यहाँ पर इसे इन्हें लिख देता हूँ, मुझे आप ज़रूर बताएं कि इनमें से आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी। इतने सारे मैंने आपको आठ लिखे हुए हैं, तो इन आठों में से आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, वो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बताएंगे। हालांकि मैं भी आपको दिखा रहा हूँ हर प्रश्न का। और चौथे में आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ सम ऑफ दीज एंड कीप देम इन ए स्क्रैप बुक, तो स्क्रैप बुक में आपने लिखना है, आप मार्केट से आपको स्क्रैप बुक मिल जाएगी, तो यहाँ पर टाइटल आपको दे रखा है माई फेवरेट सिंपल थिंग्स इन लाइफ, आपकी लाइफ में जो फेवरेट थिंग्स हैं, सिंपल थिंग्स है, नॉर्मल से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताएं, तो ये सारे मैंने अपने वाले बताए, मुझे क्या क्या अच्छा लगता है ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप बताई यहाँ पर, तो आप भी उसमें स्क्रैच बुक में लिखें, साथ ही आप ड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए भाई पूरी वर्कशीट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए, पहले सवाल का क्वेश्चन मार्क, दूसरे सवाल का क्वेश्चन मार्क और तीसरे का क्वेश्चन मार्क, जो जो भी आपको आंसर हैं वो आप कमेंट में लिख दें, जो भी आपको लग रहा है वीडियो को रोक करके। चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और हाँ आज की वर्कशीट में सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगे ज़रूर बताएं, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बाकी सब्जेक्ट बाकी दिनों की अगर कोई छूट गई हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, एक साथ आप ज़रूर देख सकते हैं। धन्यवाद।